वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? हेलो हेलो हेलो। तो आज हम सब की सवारी निकल गई है सुबह 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 नहीं दोपहर में। दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं, तो दोपहर ही हो गई। घर से बाहर निकल गई। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है बताओ बताओ, गेस करो। हम जा रहे हैं घर से दूर। कहाँ जा रहे हैं? बस छुट्टियां मनाने, है ना। कभी कभी घूमने भी जाना चाहिए। और इस साल मेरा, रवि का और बच्चों का तो ऐसा हुआ, हम कहीं नहीं गए पूरे साल में, कहीं नहीं। जनवरी में वेडिंग अटेंड करने गए थे, उसके बाद हम कहीं नहीं गए। तो अभी हम जा रहे हैं सरदार शहर, जो कि है चूरू में, और जहाँ रहते हैं मेरे सिस्टर इन लॉ। हम उनके वहाँ जा रहे हैं न्यू ईयर्स मनाने। तो बस हम निकल गए हैं, 4-5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, और साथ में हमारे जा रहे हैं हमारे चिंगी मिंगी भी। और अब जब जाते हैं तो सामान तो भैया बच्चों के साथ आप लोगों को पता ही है कितना होता है। और बच्चों के साथ जब हमें पता हो कि चिंकी मिंकी भी जा रहे हैं तो उनका भी सामान, तो सामान की तो भैया हमारे पास कोई कमी नहीं। हमारी गाड़ी ओवरलोडेड जा रही है, और रास्ते से यहाँ से ये लेना है, वहां से वो लेना है, वहां से वो लेना है, यहाँ पर ये काम, वहां पर वो काम, और ऐसे करते करते हम हो रहे हैं 1 by 1 लेट। मुझे नहीं लगता हम हाईवे हम पकड़ेंगे। मेरे ख्याल से 1 बज जाएंगे जब तक हम लोग हाईवे पे जाएंगे आराम से। तो हम 1 बजे अगर हम हाईवे चढ़ते तो मेरे ख्याल से 5-5:30 आराम से बजेंगे, क्योंकि बीच में एक बार रुकना भी पड़ेगा कहीं ना कहीं, वॉशरूम वगैरह के लिए, चाय वगैरह के लिए। तो ठीक है, लेकिन 5-5:30 तक पहुंचना सही होगा, क्योंकि विंटर्स के टाइम पे राजस्थान में क्या है, हाईवे पर बहुत ज्यादा फॉग हो जाता है, और वो बहुत ज्यादा फॉग की वजह से ड्राइविंग बहुत स्लो हो जाती है और रिस्की भी हो जाती है। तो राजस्थान में जब आपको ड्राइव करना हो हाईवे, तो दैट टाइम यू हैव टू बी श्योर कि आप दिन में ही हाईवे ट्रेवल कर लो सेफ साइड, और स्पेशली जब आप फैमिली के साथ जा रहे हो। तो बस हॉलीडे मोड ऑन। चलो फिर आपसे मैं मिलती हूँ बाद में। तो हम पहुंच गए, 70-80 किलोमीटर ही हम आए हैं, लेकिन लंच का टाइम हो गया। तो इस होटल में, यहाँ पर एक रास्ते में चूरू जाते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी होटल्स आती है ऐसे तो, बट दिस मकराना राज जिसमें हम रुके हैं, इस पे हम पहली बार रुके थे जब मैं अपने फादर के साथ राजस्थान, मतलब लाइक यहाँ चूरू साइड गई थी तब रुके थे। दैट टाइम अब वो थे मेरे नानू नानी। हाँ, तो उस टाइम जब हम रुके थे तब हमें इसका खाना बहुत अच्छा लगा। तो दैट टाइम वी डिसाइडेड कि अब जब भी हमें लंच के लिए अगर कहीं रुकना होगा तो हम यहीं रुकेंगे। इसका ना, इसका क्या है कि आप अंदर भी सिटिंग का है, और यहाँ पर इसका ना बाहर लॉन में भी ना सिटिंग का है। तो सर्दियों का टाइम जो होता है उसमें लॉन में आराम से धूप में बैठो और लंच करो, बहुत अच्छा लगता है। और खाने के टेस्ट की बात करूँ तो खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइक स्पाइसी ऑयली फूड, वैसा नहीं है, थोड़ा सा होमली फ्लेवर टाइप का आता है खाने में, बहुत अच्छा। और या इसकी मसाला चाय, ओ माय गॉड। वैसे तो राजस्थान में आप कहीं पर भी जाओ चाय बहुत अच्छी मिलती है, बट इसके मसाला चाय बहुत ही यमी है। तो बस हम यहाँ पहुंच गए। आहाना ने एक नैप भी ले ली, बेबो सोने वाली थी, उसको बस रोका कि भाई बेबो सोना मत, ताकि खाना खा लो, खाना खा के अब जैसे अब गाड़ी में बैठेंगे ना, अब मैं उसको सुला दूंगी, और आहाना को भी कोशिश करूंगी सुलाने की, बट आहाना ना डाउटफुल हो गया। अब वो एक बार इसकी एक नैप हो गई ना, अब वो सोएगी नहीं सोएगी पता नहीं है, बट ठीक है। आहाना गई कहाँ वैसे? आहाना कहाँ गई, लेट मी सर्च। तो आहाना तो है पापा के साथ, मैं आपको दिखा, देखो आ रही है, ये मम्मी और बीबो बैठ गए। भागो 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 आहाना, हम कहाँ गए? होटल। होटल बहुत अच्छा लगा।
इधर आओ, उधर नहीं, इधर 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 आओ, रन रन रन। तो बच्चे खुश हो गए, मतलब ऐसे ग्रीनरी मिल जाए बैठने के लिए, खाए लंच करने के लिए, और क्या चाहिए। और ऊपर से इतनी अच्छा सन, सर्दियों में सन के नीचे बैठ गया, ऐसा लग रहा है शावर ले रही हूँ, सन शावर। तो इट फील सो गुड, अच्छा लग रहा है। अब लंच भी हमने ऑर्डर दे दिया, यहाँ पर हम आए तो उन्होंने कहा हमारा फेमस है पनीर तूफानी। ओके, तो हमने एक पनीर तूफानी किया है, और हमने किया है सेव टमाटर की सब्जी। अगेन ये राजस्थान की सब्जी है, मुझे जहाँ तक पता है, एज पर माई नॉलेज ये राजस्थान की सब्जी है सेव टमाटर। तो एक हमने वो किया है, एक दाल फ्राई, मेरे मम्मी के लिए तंदूरी रोटी, और रवि के लिए लच्छा पराठा। बच्चे लच्छा पराठा या फिर नहीं, लच्छा पराठा नहीं, उसने शायद पनीर कुलचा किया, राइट, पनीर कुलचा किया। और बच्चे पनीर कुलचा तंदूरी रोटी जो खाना चाहे वो खा लेंगे। तो अभी एक बार इतना ही किया है, क्योंकि इसका सर्विंग साइज अच्छा है। एक होता है ना कि पोर्शन छोटा होता है, नहीं, इसका पोर्शन अच्छा होता है, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। और कम लगा तो फिर हम राइस ऑर्डर कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे फास्ट चल रहे हैं, मैं एक ही टाइम खाना खा रही हूँ। तो हम बस यहाँ लंच करेंगे, तो प्रॉपर अच्छे से लंच करूँगी, ताकि फिर मेरे को आगे प्रॉब्लम नहीं हो। बस यही सब, बस लंच आ जाए, लंच का वेट करें, बहुत जोर से भूख लग रही है। लंच का इंतजार करते करते गिनरी का व्यू का मजा ले रहे हैं हम। बच्चे झूले झूल रहे हैं, झूले के नाम पर यहाँ पर बस वो एक जो घरों में होता है वही वाला है, बट बच्चों ने उसे भी एंजॉय कर लिया। और बस अब हम सारे कर रहे हैं लंच का इंतजार कि लंच आए तो हम खाएं। और बच्चे तो मतलब समझ लो एक साल के बाद ऑलमोस्ट होटल आए हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। और बस हम वेट करते हैं, आता है फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ से खाने के बाद एक कप चाय की प्याली, और मेरा पति हो गया मुझसे गुस्सा। क्यों हो गए गुस्सा? क्यों हो, क्यों हो रहे हो? बाय, आ जाओ, बाय, चले बस चाय पी ली। तो बस हम चाय पी के निकल रहे हैं, मेरे पति मेरे को बोल रहा है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, लेट हो रहा है। लेकिन चाय तो आराम से ही पी जाती है मेरे दोस्तों। और ये ना, ये सिकोरे वाली जो चाय होती है ना, ये तो होती भी बहुत यम्मी है। यहाँ तक आए चाय नहीं पी तो फिर क्या किया, करेक्ट? और बच्चे वापस झूलों पे, उनको लेके जाना है, रवि गाड़ी में वेट कर रहा है। गाड़ी में इतने टाइम के बाद इतनी लंबी जर्नी, सो टायरिंग मैन, सो टायरिंग, नाउ आई एम टू टायर्ड, लाइक अब लग रहा है यार अभी पहुंच जाओ जल्दी, अब इससे ज्यादा और टॉलरेट नहीं होएगा।
और हिम्मत नहीं है, मैं थक गई, दोनों बच्चे भी थक गए। कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे? बट मेरे पति देव ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हैं? तुम एंजॉय कर रहे हो ना? क्यों? क्योंकि इसको ड्राइविंग बहुत पसंद है और लॉन्ग ड्राइव का कोई कह दे, अब भी हम सारा सामान छोड़ो तो जूते पहने और निकल देंगे लॉन्ग ड्राइव के लिए। बट हम टायर्ड है, हम तो करें क्या, बैठे रहो इंतजार करते रहो। और मम्मी सो गए, मम्मी को नींद आ गई और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर के नजारे। लगेगा अभी 5:30 बजे हैं तो 6:30 बजेंगे अब हमें पहुंचने में। एक घंटा हमारा एक्स्ट्रा लगा, रीजन वाइज जयपुर से निकलने में बहुत टाइम लग गया। ये लेना वो लेना, दिस करना दैट करना, और उसके बाद हम जो वहां पर मकराना राज में लंच करने के लिए रुके थे वहां पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि चाय का हमारा कोई प्लान नहीं था। खाना खाने के बाद सबने एक एक कप चाय भी पी ली, तो चाय की चुस्की तो है ना, ऐसे लगता है कि आराम आराम से ली जाए तो मजा आए, है ना। तो बस अभी हम लोग बस टाइम पास कर रहे हैं धीरे धीरे। ये पीछे बेबो फोन देख रही है, मम्मी को एक नींद की चप्पी आ गई, आप देख ही चुके हो। पति देव ड्राइव कर रहे हैं और आना हमारे साथ टाइम पास कर रही है, और चिंकी विंकी नीचे हैं, उनको एक बास्केट में पैक करके लेके जा रहे हैं। ऐसे तो फिर वो कूद फांद करते तो ड्राइविंग में प्रॉब्लम होती, तो उसको एक दो बास्केट को जोड़ के उसके अंदर दोनों को डाल दिया ताकि वो लोग आराम से जाए। चलो फिर बाद में मिलती हूँ आपसे, ओके। एक तरफ सूरज अस्त हुआ ही है और ये देखो चंदा मामा स्काई में आ गए। पूरा दिन है, मतलब दिन मतलब रोशनी है अच्छी खासी दिन की, और हमें चांद दिख रहा है। Isn't it cool? तो हम पहुंच गए, पहुंचे, हमें बहुत देर हो चुकी है, लाइक हम 6:30 बजे हम सदाशय एंटर कर गए थे, लेकिन जो एंटर करते हैं वहां से घर का रास्ता भी होता है, तो उसमें अराउंड हमें 15 मिनट लगे, 7:45 बजे तक हम घर पहुंचे। और फिर घर आने के बाद तो वो मिलना मिलाना इधर उधर सामान को सेटल करो ताकि वो भीड़ ना लगे, तो ये सब करने में टाइम लग गया। उसके बाद सब खाना खाने वाने में लग गए, मैं बीच में एक फ़ोन कॉल था ज़रूरी था मैं उसमें चली गई, तो मैं शूट नहीं कर पाई। बट ऑल दो वैसे कुछ खास वैसा कुछ किया नहीं जिसको मैं शूट करती, जस्ट सब नॉर्मल था। आने के बाद जो मीटिंग होती है फैमिली मेम्बर से आप मिलते हो तो वही थी, और चिंकी मिंकी को सेटल करना, उनका केज वापस से केज को केज बनाना जो सूटकेस बन गया था, ये सब छोटे 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 काम थे जिनमें ही टाइम बीत गया। तो बस अभी डिनर फिनिश हुआ है, और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा ठंड है जयपुर में, मतलब लाइक इतनी ठंड नहीं है जयपुर में, मैं ऐसे घूमती थी मुझे नहीं फील होता था, जब यहाँ पे मैं ऐसे हूँ ना तो आई एम शिवरिंग, बहुत ठंड है यहाँ पर। एंड मैं बार बार बोली यहाँ पे यार बहुत ठंड है, यहाँ पर यार बहुत ठंड है, तो पता नहीं आने वाले 4-5 दिन कैसे जाने वाले हैं, गॉड नोस। बट हॉलीडे है तो ठंड हो या गर्मी, हॉलीडे तो इंजॉय करने के लिए होता है और फुल ऑन इंजॉय करना है, और इस बार तो मैंने सोचा है कि मुझे सिर्फ इंजॉय करना है, इंजॉय करना है, इंजॉय करना है, बस इंजॉय करना।
एंजॉय ज्यादा हो गया शायद। अब करना है सो करना है राइट। तो बस ठीक है, तो होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो हमारी पूरी ट्रिप। और यहाँ पर हम जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, जितना भी करेंगे, सबको रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर मैं करना नहीं भूलूंगी, जरूर शेयर करूंगी। और आप मेरे साथ स्टे ट्यून रहना ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर एवरी व्लॉग। और अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। तो बाय बाय, ऑल इज वेल।